शेखपुरा जिले के पुलिस कप्तान कार्तिकेय शर्मा द्वारा अपहरण मामले में जांच पड़ताल किया तो मामला कुछ और निकला। बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले अंजलि देवी ने अपनी ही बेटी शीतल कुमारी को किसी दूसरे परिवार के यहां शादी करवा दिया था और झूठे मुकदमे में फंसा दिया। गैर मतलब हो कि इस मामले में पुलिस कप्तान ने जब जाँच पड़ताल किया तो युवक श्रवण कुमार निर्दोष पाया गया। श्रवण कुमार ने बताया कि अंजलि देवी कुछ वर्ष पहले अपने ही पति की हत्या करवा दी थी और उस मामले में अंजलि देवी कई महीने तक जेल में रही। जेल से निकलने के बाद श्रवण कुमार को झूठे अपहरण के मामले में फंसा दिया, जबकि उस दिन श्रवण कुमार अपने टोटो का बैटरी लगवाने के लिए बरबीघा मिशन चौक पर गया था। प्रशासन के द्वारा पूछताछ के दौरान जिस दुकान से श्रवण कुमार टोटो बनवा रहा था, उस दुकानदार मिस्त्री ने प्रशासन को बताया कि श्रवण कुमार 6 बजे तक हमारे दुकान में था और वह अपना गाड़ी को बनवा रहा था। श्रवण कुमार ने बताया कि उसी दिन अंजलि देवी अपनी बेटी को अपने बेटे निरंजन कुमार के द्वारा बिहार शरीफ के गुंजनचक गांव में पहुंचा दिया। श्रवण कुमार ने बताया कि जब इसकी जानकारी ली तो पता चला कि लड़की का उम्र भी 10 साल है और झूठे मुकदमे में हमें फंसा रहा है। इस मामले को लेकर कई बार श्रवण कुमार थाना पुलिस प्रशासन से गुहार लगाया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि हमें पुलिस अधिकारी कार्तिकेय शर्मा पर पूर्ण विश्वास था कि दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। सच्चाई सामने आया और इन्होंने हमें निर्दोष साबित किया। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि उस महिला पर ठोस से ठोस कार्रवाई की जाए। अरविंद कुमार की रिपोर्ट, शेखपुरा बिहार। केस दर्ज किया। उस दिन मैं और मेरे पापा बरबीघा मॉल के बगल में टोटो का वेल्डिंग करवा रहा था और अंजलि देवी का बेटा निरंजन कुमार मेरा टोटो गाड़ी में बैटरी सेट किया, शाम 6 बजे सेट किया। डीएसपी साहब के सामने बयान दिया कि श्रवण कुमार का टोटो गाड़ी में शाम 6 बजे तक काम किया। उसी दिन उसका भाई निरंजन कुमार अपना बहन शीतल कुमारी जिसका उम्र 10 वर्ष है उसको बिहार शरीफ गुंजन चक गांव थाना चंडी का लड़का नाम संजीव कुमार पिता का नाम टुनटुन पासवान के यहाँ पहुँचा दिया गया और हम पर झूठा अपहरण का केस दर्ज कर लिया। उसके बाद उसी लड़का से अपने पुत्री शीतल कुमारी का विवाह भी कर दिया और शेखपुरा का प्रशासन के आंखों में धूल झोंक रही है। एसपी साहब इस मामले को जांच पड़ताल करके झूठा जांच पड़ताल किए तो केस झूठा पाया गया। अतः